डायलॉगबाजी ऐसे फर्जी बयानों पे क्या दें जो झूठ फरेब और धोखे की राजनीति, आज बयान दे रहे हैं कल का पता ही नहीं है, पहले करके दिखाएं उसके बाद बात। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अपने वोटर्स को साधने के लिए उत्तर प्रदेश से हर विधानसभा क्षेत्र से 100 लोगों को राम मंदिर लेके जाने की बात। देखिए भगवान राम का जहाँ तक सवाल है, भगवान राम के लिए जिस तरह की भाषा बीजेपी बोल रही है वो भाषा गलत है। बीजेपी कह रही है 500 वर्ष के बाद भगवान राम अयोध्या लौटेंगे। तो भगवान राम तो घट घट में कण कण में बसते हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। ऐसा कहना कि भगवान राम अयोध्या ही 500 वर्ष बाद लौटेंगे, ये बीजेपी को क्लियर करना चाहिए कि वो ये बात क्यों कह रही है। भगवान राम तो अयोध्या में शुरू से, सरयू तो बहना बंद हुई नहीं हुआ कभी भी, पूजा पाठ कभी बंद हुआ नहीं, राजीव गांधी जी ने ताले खोले थे, उसके बाद रेगुलर पूजा चल रही थी। तो ये बात कहना कि भगवान राम को 500 वर्ष बाद बीजेपी ले, हाँ बीजेपी ये कह सकती है कि ये को जो मंदिर का फैसला हुआ ये भी बीजेपी ने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वहाँ मंदिर बन रहा है। लेकिन हाँ, मंदिर बनाने का काम हाईजैक इन्होंने कर लिया। इन्होंने पूरे देश में जब राम रथ यात्रा निकाली थी आदरणीय अडवाणी जी ने, तो अडवाणी जी ने खुद ने स्टेटमेंट दिया और लोकसभा में बताया, लोकसभा का क्वेश्चन है ये, जब उनसे पूछा गया कि आपने राम और सीता जी की आपको जितनी मूर्तियां मिली पूरे देश में राम रथ यात्रा के दौरान चांदी की और सोने की बनी, तो उनका क्या किया, तो उन्होंने कहा कि इन सब मूर्तियों को गलाकर हमने इनका सोना और चांदी तैयार करा लिया। तो जो मूर्तियों को गला दिया गया, तो बीजेपी की भावना हम सब जानते हैं। तो बीजेपी अपने हिसाब से मंदिर अपनी शर्तों पर काम पूरा हुए बगैर लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर को मुद्दा बनाकर बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। बीजेपी को ये भी बताना चाहिए, लोकसभा चुनाव से पहले जब आप 2014 में लड़ने गए तब आपने वादे किए थे पेट्रोल डीजल, अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार अब की बार बीजेपी सरकार, अब और नहीं महंगाई की मार अब की बार बीजेपी सरकार। तो वो जो पहले आपने वादे किए थे वो वादों का क्या हुआ, ये बीजेपी को बताना चाहिए। और ये राम मंदिर के मुद्दे पर जहाँ तक है, तो राम भगवान किसी का भगवान कल्याण के लिए हैं, भगवान किसी का राजनीतिक हथियार नहीं हो सकते, फिर भी आपने राजनीतिक हथियार बना लिया है। तो मैं ये कहूँगा कि आपको विनम्रता के साथ भगवान राम के सिद्धांतों के साथ आदर्शों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। भगवान राम के लिए कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने मर्यादा में रहकर सबके कल्याण की बात कही, जिन्होंने राम राज्य की स्थापना की जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में रही, जो पूरी दुनिया को कमांड करते थे, आप उनका कद छोटा करने की कोशिश मत कीजिए। आप जो जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मंदिर का भी फैसला हुआ, मस्जिद का भी फैसला हुआ, तो आपने क्या मस्जिद रुकवा दी क्या वहाँ सुप्रीम कोर्ट की, आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं? तो आप ये कह रहे हैं कि हम भी भगवान राम के भक्त हैं, सारे लोग भगवान राम के भक्त हैं, लेकिन ये बातें बीजेपी जो कर रही है ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। और अभी देखिए बीजेपी जितना खुश हो रही है, करणपुर का जो रिजल्ट आया राजस्थान में, कांग्रेस पार्टी जीत गई, तो ऐसी कोई आंधी नहीं बह रही है बीजेपी की। मान गया मैं हम लोग हार गए राजस्थान में, लेकिन जनता कब पलटी मारती है तो जनता हिसाब किताब पूछेगी, रोटी के लिए, रोजगार के लिए, देश में डेवलपमेंट के लिए, कल्याण के लिए, कि आपने जो बीजेपी ने वादे किए उनके लिए। तो अब ये जब शुरुआत होगी तब पता चलेगा।